वहीं बढ़ते हैं, बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान से 15 सीटों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे चर्चित कोटा बूंदी लोकसभा सीट से ओम बिरला को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। ओम बिरला के नाम का ऐलान होते ही ओम बिरला से कोटा स्थित शक्तिनगर कैंप कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर ओम बिरला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सामर्थ्य शक्ति, लोगों में विश्वास भरोसा, देश में विकास और आम आदमी के जीवन परिवर्तन करने के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी नीतियों, कार्यक्रम, निर्णयों से किया है, जिससे जन की जनता का विश्वास भरोसा और जगा है। मुझे विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनेगी और पहले से अधिक सीटें, लक्ष्य जो रखा है 400 सीटों के लक्ष्य को पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी तीसरे कार्यकाल के अंदर, मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, आम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना, गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश को नई गति देना। आज दुनिया के अंदर आर्थिक तंत्र के रूप में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत के विकास का प्रतीक है। मुझे आशा है कि तीसरा कार्यकाल उनका अभूतपूर्व होगा और देश को नया आयाम देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत